छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री की पत्नी की जगह दूसरी महिला को परीक्षा में बैठाने के एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य में कई जगह प्रदर्शन किए। उधर बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी बनाई है। विवादों में है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री की पत्नी और निशाने पर है रमन सिंह की सरकार। आरोप है कि शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी मुन्ना भाई स्टाइल में इम्तिहान दे रही थी और यही इम्तिहान राज्य सरकार के लिए सबसे मुश्किल पर्चा बन गया है। पहले देखते हैं बवाल की वजह क्या है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री की पत्नी पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय में एमए की पढ़ाई कर रही हैं। लोहंडीगुड़ा के सेंटर में आखिरी पर्चे के दौरान ये शक हुआ कि इम्तिहान दे रही महिला मंत्री जी की पत्नी नहीं है। सवाल जवाब होते ही पर्चा दे रही महिला सेंटर से 9-2-11 हो गई। सवाल ये है कि पहले के 3 पर्चों के दौरान क्या फोटो नहीं मिलाई गई थी। मामला मंत्री जी से जुड़ा है इसलिए परीक्षा केंद्र प्रमुख भी कुछ बोलने से हिचक रहे हैं। मामला तो ये है कि कोई आया था जब भी करीब 3 बजे तो बोलता है कि अमुक व्यक्ति से मिलना है, तो वहाँ मिलने गए तो उस बोले कि इनसे काम है। मैं सोचा काम होगा, तो मिलने के बाद बोले कि आप कौन हो, केदार कश्यप के क्या लगते हो, बोले पत्नी हूँ, बस यही बात। फिर वो लोग फोटो लिए और चले गए। मामले का खुलासा होते ही कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री रमन सिंह की दलील कुछ और है। शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की गिनती बीजेपी के कद्दावर आदिवासी मंत्री के रूप में होती है। बड़े भाई दिनेश कश्यप बस्तर से सांसद हैं। अब देखिए इस पूरे केस में कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है। ये मामला अभी पुलिस को नहीं सौंपा गया है। विवाद पर हंगामे को देखते हुए बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। परीक्षा में फर्जीवाड़े के इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। वहीं यूनिवर्सिटी ने अनफेयर मींस के अंतर्गत मामला दर्ज कर श्रीमती शांति कश्यप की परीक्षा को ही रद्द करने के संकेत दिए हैं। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर आज तक।